guys, it's LU. Welcome back to my channel, LU's Worlds. So first of all, I thanks to you, my all viewers, ठीक है? क्योंकि उन लोगों ने मेरा 4000 hours का watch time only 3 months में complete करवा दिया है. तो अभी आप लोग views तो दे ही रहे हो, ठीक है? और like, comment आप करना start कर दीजिए और मुझे subscribe भी कीजिए. मुझे अभी 4000 और उसका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, अभी मुझे 1K का कंप्लीट करना है, ठीक है? 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के टॉपिक में वीडियो स्टार्ट करता हूँ. आज का टॉपिक है फैशन फ्रिक्स फ्राइडे, ठीक है? फैशन फ्रिक्स फ्राइडे 3 FFQ. तो आज का टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे बहुत सारे शूज़ हैं, तो आप लोग के पास ये शूज़ होने चाहिए, ठीक है? शूज़ के ऊपर मैं आज व्लॉग बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग के पास ये शूज़ होने चाहिए और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. 350 से 500 तक में आपको ये सब शूज़ मिल जाएंगे आपके लोकल स्टोर या फिर ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट पर से, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई स्टार्ट माई वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्नीकर्स होने चाहिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास स्नीकर्स ऐसे टाइप के. इसको आप कोई भी पार्टी वेयर में या फिर डीजे क्लब और किसी भी कैजुअल ड्रेस पे पहन सकते हैं, ठीक है? एंड यू मस्ट हैव दिस काउबॉय शूज, ठीक है? इसको आप लोग जींस पे पहन सकते हो या फिर कोई भी हाइकिंग पे जा रहे हो या फिर कोई भी माउंटेन क्लाइंबिंग है, फिर कोई भी जगह पे आप जा रहे हो, तो आपको ये शूज़ वहाँ पे सूट करेंगे. बहुत सूट करके बहुत रफ होते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा पहनने के, ठीक है? फिर आते हैं ऊपर, आपके पास स्पोर्ट्स शूज़ भी होने चाहिए, ठीक है? स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए जैसे कोई भी कंपनी का चलेगा, जैसे मेरे पास नाइकी के, ठीक है? वैसे ही आप लोग के पास एक कैनवास भी होना चाहिए, ठीक है? कैनवास का शूज़ है वो आपको पार्टी में चलेंगे, कैजुअल वेयर पे चलेंगे, फिर जो फॉर्मल चीज़ों रहते हैं उसमें भी चलेगा. आपके पास मुजली भी होनी चाहिए, ठीक है? अभी ये मुजली आई है, तो ये मुजली जैसे आप कुर्ता पजामा पहनते हो, कोई भी ट्रेडिशनल फंक्शन रहता है या फिर ओकेशन रहता है उस पर आप ये मुजली वेयर कर सकते हो और बहुत क्लासी और बहुत सेक्सी लगेगी, ठीक है? तो आप लोग अगर रनिंग कर रहे हो या जिम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास ये स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए, ठीक है? ये वाले स्पोर्ट्स शूज़ जो रनिंग के लिए और जिम के लिए एकदम कम्फर्टेबल है. आप लोग देख सकते हो मैं कितनी रनिंग की है और शूज़ की हालत मैंने एकदम ख़राब कर दी है, ठीक है? आपके पास फॉर्मल तो होने ही चाहिए. फॉर्मल शूज़ ब्लैक, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ब्लैक शूज़ जो रहते हैं वो किसी भी कलर के, किसी भी स्किन टोन या फिर किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर चले जा, मतलब कि चल जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही क्लासी लुक रहता है और आप एक प्रोफेशनल लगते हो, ठीक है? इसके बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग शूज़ होने चाहिए, जैसे मेरे पास नाइकी के, नाइकी है, जॉर्डन है, ठीक है? वैसे आपके पास ऐसे होने चाहिए. और दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्पोर्ट्स शूज, आपको ये भी होनी चाहिए. और एक कैजुअल वेयर के लिए ऐसे शूज होने चाहिए जो मैंने रेगुलर पहने, ऐसे फट भी गए हैं, ठीक है? अभी मैं इसको नहीं लेने वाला हूँ, ऐसे टाइप के नहीं लूँगा, थोड़ा टाइप के, लेकिन आपके पास ये सब होने चाहिए. तो ये सब सारे शूज आपकी जो है बहुत सारे एकदम डेवलप कर देंगे, ठीक है? तो ज़्यादा महंगे देने जाते हैं तो आप इसको खरीद सकते हो बहुत ही कम रेट में और आपको एसेंशियल और सेक्सी लुक के लिए आप लोग को ये होने ही चाहिए आपके पास. I hope you guys like my video. So don't forget to subscribe my channel, like, share, comment, whatever you do, just do it.